सेवा जोहार, सेवा जोहार। मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, मन लगा के सुनिए। भाषा वो तिजोरी है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। भाषा वो तिजोरी है जिसमें उसके मालिक की संस्कृति एवं इतिहास की पूंजी सुरक्षित रखी होती है। इसीलिए आधुनिक मनुष्य जिसे जागरूक कहा जाता है, वह अपने भाषा की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए इतना सजग बन गया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मातृभाषा लुप्त हुई तो अंततः उसकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा से ही किसी भी समाज की मूल पहचान होती है, और हम सभी को मिलकर हमारी मातृभाषा को बचाना है। तो चलिए, गोंडी भाषा को बचाने के लिए गोंडी सीखते हैं। साथियों, क्रिया के मूल रूप के बिना गोंडी अधूरा है। मूल रूप के अंत में हम प्रत्यय जोड़ते हैं, और गोंडी में यही चैप्टर कठिन है। इसीलिए मूल क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। मूल क्रियाओं से संबंधित कई वीडियो डाल चुका हूँ, आज इस वीडियो से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्रिया के मूल धातु रूप के आखिरी अक्षर के अ या आ को लोप करके या उसकी ध्वनि को लोप करके ऊ प्रत्यय लगाने से नहीं का अर्थ बहुवचन स्त्रीलिंग वाक्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मूल रूप उन मीन्स पी और नन मीन्स पीना, उन के आखिरी अक्षर में हम ऊ प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया शब्द उन्नो, और इसका हिंदी अर्थ हो गया नहीं पीती हैं। अगर किसी के द्वारा पीने के लिए पानी दिया जाता है और उधर से कह दिया गया कि पानी नहीं पीती हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उन्नो। इससे संबंधित चलिए वाक्य बनाते हैं। यू एर उन्नो, इसका हिंदी अर्थ होगा ये पानी नहीं पीती हैं। सुनिए और बोलिए, सुनिए और बोलिए, फिर धीरे धीरे गोंडी शब्द ज्ञान बढ़ाइए। इससे आप लोगों को गोंडी बोलने में बहुत आसान होगा। यहाँ पर केंजा मीन्स सुन और केंजाना मीन्स सुनना। केंजा में हम ऊ प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया शब्द केंजों, इसका हिंदी अर्थ हो गया नहीं सुनती हैं। अब चलिए वाक्य बनाते हैं और आप भी मेरे साथ बोलने लगिए। लैया लेंग केंजों, इसका हिंदी अर्थ होगा लड़कियां आवाज नहीं सुनती हैं। साथियों, किसी को एक डेढ़ महीने में गोंडी सीखना है तो मेरी एक गोंडी किताब है, उस किताब का नाम है कोयमरी गोंडी पल्लू करियाट। आप उस किताब की सहायता ले सकते हैं। यहाँ देखिए तीन मीन्स खा और तिंदाना मीन्स खाना। तीन में हम ओ प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गए शब्द तीनों, इसका हिंदी अर्थ होगा नहीं खाती हैं। अब चलिए आसान सा वाक्य बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बोलने लगिए, प्रैक्टिस करिए। नूनी हाड़ी तीनों, इसका हिंदी अर्थ होगा बच्चियां रोटी नहीं खाती हैं। वाम या वाय मीन्स आ, वायना मीन्स आना। वाय में हम ओ प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गए शब्द वायु, इसका हिंदी अर्थ होगा नहीं आती हैं। अब चलिए आसान सा वाक्य बनाते हैं। मिया लोन वायु, इसका हिंदी अर्थ होगा बेटियां घर नहीं आती हैं। यहाँ पर तेदा मीन्स जाग या उठ, और तेदाना मीन्स जागना या उठना। तेदा में हम ओ प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गए शब्द तेदों, इसका हिंदी अर्थ होगा नहीं जागती या नहीं उठती हैं। अब चलिए आसान सा वाक्य बनाते हैं। अब नरकी या सकाड़े तेदों, इसका हिंदी अर्थ होगा वे सुबह नहीं उठती हैं। साथियों, मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बस्तरी वट्टी दादी की ओर से वल्लेंडो वल्लेंड, जय जोहार, सेवा जोहार, सेवा सेवा।